एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आ गए हम एक और वीडियो लेके आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने और उनके प्यारे प्यारे जवाब देने। तो पहला कमेंट गोलू पढ़ने जा रही है जी। पहला कमेंट है मीनू जी व्लॉग्स की तरफ से। अरमान मलिक भाई के बारे में सबसे अच्छी बात यही है कि जब वह कुछ हासिल करते हैं तो वह कभी भी खुद को श्रेय नहीं लेते, वह हमेशा दर्शकों और उनकी टीम को सम्मान करते हैं और विनम्र है, और उनकी सभी वीडियो हम बधाई देते हैं, इस उपलब्धि को और अधिक बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच मीनू जी, आपका कमेंट बहुत ही अच्छा है। और हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी कुछ करते हैं अरमान जी करते हैं, लेकिन कभी भी क्रेडिट नहीं लेते हैं कि ये सब उन्होंने किया है। वो हम सबको साथ लेके चलते हैं और अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं, जैसे नितिन भैया, अनुज भैया, राहुल भैया, धीरज भैया, मनदीप भैया, और हम लोग सबको लेके साथ चलते हैं, मतलब कभी भी क्रेडिट नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच, आपका कमेंट बहुत ही प्यारा है। तो नेक्स्ट कमेंट है मुस्कान खान का। पायल जी यू आर द बेस्ट, आई जस्ट लव द बॉन्ड बिटवीन यू बोथ, हाउ स्वीट ऑफ यू, आपको हर एक काम आता है, एंजॉय टुडे ब्लॉग, यू आर प्योर हार्ट सोल, लव यू पायल दिन गोलूदी। ये बात तो बिल्कुल सच है मुस्कान खान जी, पायल को हर एक काम आता है। चूल्हे पे इतनी अच्छी रोटी गोल गोल फूली ना, और मजा आ गया सच में, इतना टेस्टी खाना था ना, मेरा तो खुद मन है कि कल फिर हम चूल्हा लगाएं। कल अगर टाइम लगा तो जरूर लगाएंगे। और देखो कभी कभी ना ये सब काम करने में मजा भी आता है। और हम उस दिन कल शायद 11 बजे हम पहुंच गए थे छत पे, और हमने 2 बजे तक, वैसे हम लंच ना 3 बजे 3:30 बजे तक करते हैं, उस दिन हो गया था, उस दिन हमने लंच वंच खत्म कर लिया था बहुत जल्दी, और अच्छा लगा सबको खाना। तो नेक्स्ट कमेंट है गाइस ट्रेनिंग तरुणम का। आई ट्राइड कुकिंग ऑन लकड़ी का चूल्हा फ्यू मंथ्स अगो, द टेस्ट वाज जस्ट ऑसम। लकड़ी का चूल्हा उस पे तो कभी मैंने खाना बनाया नहीं, बिकॉज ऑफ लकड़ी तो जल जाती है, तो उस पे कैसे आग जलेगी। पर शायद ऐसा कुछ होगा, आपने बनाया होगा तो जरूर कभी सर्च करेंगे हम लकड़ी के चूल्हे पे खाना कैसा बनता है। तो नेक्स्ट कमेंट है मैरिन लिंबू का। पायल दी सो टैलेंटेड, शी नोज एवरीथिंग, सो स्वीट, लॉट्स ऑफ लव यू सिक्किम, थैंक यू सो मच। ये बात तो बिल्कुल सच है, पायल बहुत टैलेंटेड है, हर चीज आती है, हमें सोचना पड़ता है इस चीज को कैसे करेंगे, बट वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेती है। कल सबसे अच्छा जो मेरे को आइडिया लगा ना, पायल का फूकनी का लगा, कुछ नहीं मिल रहा था तो छत से फूकनी ढूंढ दी। हाँ एक्चुअली क्या है ना, मैंने भैया को भेजा था कि फूकनी भी ले आना, उनको फूकनी मिली नहीं वहां, क्योंकि ये सब जो चीजें तो लोहार के पास मिलती है लोहे की सारी चीजें, पर वहाँ पे फूकनी नहीं थी। तो फिर मेरे ऐसे ध्यान में आया, मैंने कहा ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मैंने कहा पाइप तो जरूर यहाँ की भी निकली होंगी, ऊपर पड़ी होंगी, तो कहीं ना कहीं से हमें पाइप मिल गई थी और उसकी हमने फूकनी बना ली थी। और बहुत ही दिल से धन्यवाद, आप इतनी दूर सिक्किम से हमारे व्लॉग्स देखती हैं और अपना टाइम निकाल के इतने प्यारे कमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट कमेंट है अर्शिया शेख जी का। पायल अप्पी मोस्ट इंटेलिजेंट इन एवरीथिंग, शी नोज इज द मास्टर ऑफ हिज होम, वेल डन अप्पी, वेरी गुड, लव यू गोलू, अल्लाह ब्लेस यू, फुलफिल योर लाइफ चेयरफुल। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच अर्शिया, अल्लाह आपको भी ब्लेस करे और आपकी फैमिली हमेशा हैप्पी रहे। बिल्कुल पायल बहुत इंटेलिजेंट है और घर की सब चीजों में मास्टर है, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे किचन का काम हो, चाहे बाथरूम का काम हो, चाहे कहीं का भी हो। तो गाइस एक लड़की को, एक गर्ल को, एक औरत को ना सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि घर जो, देखो आदमी पैसा कमा के ले आता है, पर घर जो संवारती है, घर जो चलाती है, परिवार को एक साथ जो रखती है, वो औरत होती है। तो ये सारे काम उसे आने चाहिए, और ये बखूबी काम गोलू भी करती है। पर वो ये बस उसे चूल्हे का काम नहीं आता था, फिर भी उसने मेरी हेल्प करी, उसने बर्तन धोए, उसने रोटी बेली, मैंने सेकी, तो दोनों ने मिलकर हमने काम कर लिया था। पर ना मैं गाइस ट्राई करूंगी पक्का, मेरा बहुत मन है चूल्हे पे रोटी सेकने का। देखो एक ट्राई करने पे क्या जाता है, एक बार नहीं सीखेगी, दूसरी बार तो सीखेगी, तो नेक्स्ट टाइम पायल रोटी बेलेगी और मैं पक्का सीखूंगी वही वाली टेक्निक। तो नेक्स्ट कमेंट है राखी रैना का। वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग दी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली ऑलवेज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मे लिव लॉन्ग लाइफ। राखी रैना जी थैंक यू, भगवान करे आपकी भी बहुत लंबी उम्र हो और आपके सारे परिवार जितने भी लोग हैं सबकी लंबी उम्र हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतनी ब्लेसिंग देते हो, इतने सारे कमेंट्स करते हो, तभी हमें रोज आना पड़ता है आपके कमेंट पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट कमेंट है कामनी जैन का। पायल दी आप मल्टी टैलेंटेड हो, सच में आपको देखकर दिल खुश हो जाता है, खाना देखकर लग रहा है कि बहुत अच्छा बना होगा, और फिर पायल दी ने बनाया है तो फिर बहुत टेस्टी होगा। पायल दी आप अन्नपूर्णा हो, सबको टेस्टी खाना बनाकर खिलाते हो, फेवरेट दी, लव यू। ये बात तो सच है, मेरे मुंह में अभी पानी आ गया, कल की जो सब्जी थी ना इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी थी। नितिन भैया कैमरे के पीछे, भाई कैसी थी? एक नंबर, इतनी टेस्टी सब्जी थी ना। आज मैंने घर पे खाना नहीं खाया है, दोपहर का खाना नहीं खाया, मतलब कि ना मेरा जब पायल खाना बनाती है ना तो मैं हमेशा खाती हूँ हमेशा, और सच में बहुत टेस्टी सब्जी। और ना कल हम यहाँ पे रहते हुए 1.5 साल हो गया, और धैर्य भैया जिनको आपने अक्सर देखा होगा हमारे व्लॉग्स में, तो वो ना 1.5 साल से हमारे घर आते जाते हैं, पर पहली बार उन्होंने हमारे घर पे खाना खाया था, बिकॉज ऑफ चूल्हे का
का बना हुआ था, मम्मी का इतना मन था, मम्मी इट मीन श्री कुक की ट्यूशन टीचर, उनका इतना मन था आके चूल्हे की रोटी खाना, पर भैया लेके नहीं आए। पर अगली बार जब भी मैं चूल्हा जलाऊंगी तो संडे को जरूर, संडे को भी नहीं, मम्मी ने बोला था संडे हो चाहे कुछ भी हो तुम जब भी बनाओगे मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। और कामिनी जी, कामिनी जैन जी थैंक यू सो मच, आप अक्सर हमें कमेंट करती रहती हैं, इससे पहले भी हमने आपके कमेंट पढ़े हैं। और नेक्स्ट टाइम गाइस हम ये भी बात कर रहे थे कि हम पीली मिट्टी भी लेके आएंगे लिपने के लिए। हाँ। तो नेक्स्ट कमेंट है अंजलि धैया का, पायल की बातों से पता चलता है पायल अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल पायल बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत डाउन टू अर्थ है, और हमारी फैमिली में सारे बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है क्योंकि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब हमने ये नहीं है हम शुरुआत से इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमने बहुत गरीबी से यहाँ तक पहुंचे हैं, एक कमरे में रहते थे हम लोग। मतलब मेरी फैमिली में मेरे खुद के 6 भाई बहन है और मम्मी पापा हैं, तो एक कमरे के छत में हम लोग रहते थे और बारिश में वो पूरा घर टपकता था। तो मतलब हमने वो टाइम भी देखा और आज का टाइम भी देखा है। तो इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखो भगवान है, भगवान किसी भी समय कोई भी समय दिखा सकता है। इंसान को इक्वल रहना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। हर एक सिचुएशन के लिए। गाइस हमारे साथ ये चीजें हो चुकी है, हम फेस कर चुके हैं, हमने अच्छा टाइम भी देखा है, तो हम तीनों ने बुरा टाइम भी देखा है, बहुत बुरा टाइम भी देखा है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, इंसान को हमेशा धरती से जुड़े रहना चाहिए। तो नेक्स्ट कमेंट है रीता भाटिया का, लुकिंग वेरी वेरी टेस्टी, चूल्हे का खाना मुंह में पानी आ गया, लव यू पायल जी, गॉड ब्लेस यू। तो गाइस आपको इतना अच्छा लगा ना, पक्का हम चूल्हे का खाना फिर दोबारा बनाएंगे। नेक्स्ट आप हमें कमेंट करना कि नेक्स्ट टाइम आपको मतलब हम ऐसा क्या करें चूल्हे पे जो आपको देखना पसंद आए, तो अगली बार हम फिर वही बनाएंगे। और देखो हम आपको खिला तो नहीं सकते बिकॉज आप टीवी या फोन में हमारे ब्लॉग्स देखते हो, तो आप सिर्फ इंजॉय कर सकते हो जो हम खाते हैं पीते हैं, पर यही है कि इंजॉय भी कर लेते हो तो उससे भी थोड़ा बहुत पेट तो भर ही जाता होगा। तो नेक्स्ट कमेंट है कोमल का, स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता था, 2 वाइफ 1 हस्बैंड, आप लोग जब स्टोरी शेयर करे हेट जैसा करते थे, बट ओवर टाइम वॉचिंग यू गाइज अब लगता है अंडरस्टैंडिंग एंड लव इज व्हाट दैट मैटर्स, बाकी आप करो जीवन में कांग्रेचुलेशन ऑल योर मलिक फैमिली, आप लोगों की 10 मिलियन हिट करोगे। तो बिल्कुल सही बात है गाइज, जब हम किसी को स्टार्टिंग में देखते हैं तो उनकी बारे में नहीं पता होता वो लोग कैसे कैसे नहीं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम से हमने स्टार्ट किया था, जब यूट्यूब पे आए व्लॉग स्टार्ट करे तो उस टाइम पे बहुत हेट मिला था, लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे और अचानक से हमने अपनी लाइफ आगे रख दी, लव स्टोरी बता दी, तो काफी लोगों को समझ नहीं आया। और अगर मैं भी होती एक नॉर्मल इंसान और किसी की लव स्टोरी देखती तो शायद मुझे भी अच्छी नहीं लगती। और जैसे जैसे हम लोग आपको रोज दिखते रहे और 1.5 साल हो गया हमें यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे हमारी जो फैमिली है वो स्ट्रांग होती रही, लोगों की जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में बदल गई, और अब हमें जितने भी लोग देखते हैं सारे के सारे पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है कोमल खिंडा का, वी आर बिलोंग टू पंजाब एंड एज अ पंजाबी वी ऑलवेज मेक अ रोटी एंड सब्जी ऑन चूल्हा स्पेशली इन विंटर। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, पंजाब मतलब इस साइड पे ज्यादातर लोग मे भी गाँव सर्दियों में ना चूल्हे का खाना खाना ही पसंद करते हैं, और यह पंजाबियों की तो बात ही अलग होती है, उनके यहाँ तो मतलब हर एक चीज जैसे घर का मक्खन, मक्की की रोटी, सरसों का साग, चटनी, लस्सी, दूध, ये सब होता है। तो ये तो मतलब ऐसा खाना खाने के लिए बंदे को ना बहुत कुछ सोचना पड़ता है, पर जिनके पास होता है उनको तो इंजॉय एंजॉय है, हमें तो ये सब चीजें ऊपर बनानी पड़ी, मतलब ये सब चीजें थी नहीं पहले, अब तो छत मिल गई तो हमने चूल्हा बना लिया और अब हम उस टेस्ट को हम खा सकते हैं और देख सकते हैं कैसा टेस्ट होता था। नेक्स्ट कमेंट है गीता काले का, प्रेगनेंसी में दिल होता है कुछ खाना चटपटा खाने की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, प्रेगनेंसी में आज गोलू ने छोले कुलचे लेके आई थी जब हम लोग बाहर गए थे, मुझे कहती मैं कोई अभी आती हूँ मैं रुक जा, मैंने ठीक है मैं कोई काम कर रही थी, तो जब मैं जब ये आई तो इसके हाथ में छोले कुलचे थे, ऐसा होता है। नेक्स्ट कमेंट है आयशा का, पायल जी एक ए न्यू वीडियो, आई एम ऑल्सो ग्लैड हैव यू हैव बीन अपलोडिंग ऑन करेक्ट टाइम, इट्स अमेजिंग एंड द क्वालिटी ऑफ द वीडियोस। अब ये किस वीडियो के लिए बोल रहे हैं आप वो हमें नहीं पता है, पर अगर आपको हमारे वीडियोस की क्वालिटी अच्छी लगती है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और गाइस जो आप बोल रहे हो ना अपलोडिंग ऑन करेक्ट टाइम, तो ये हमारी टीम है, टीम की वजह से होता है, क्योंकि हम लोग व्लॉग बनाते हैं, एडिट भैया करते हैं और वही अपलोड करते हैं, सबका काम बटा हुआ है। तो अभी क्या बहुत सारे व्लॉग्स हो गए तो हमने अपना जो काम है ना वो थोड़ा थोड़ा बांट के रखा है ताकि जो अपलोड व्लॉग्स आपको टाइम पे मिल जाए। तो नेक्स्ट कमेंट है माधवी अनगपन का, ओ एम जी चीकू हु वॉन्ट्स टू प्ले लाइक दैट, लॉल एनी वेज यू आर अ सुपर स्टार, आई लाइक यू चीकू, लव यू लॉल। थैंक यू सो मच माधवी जी, आप चीकू को इतना पसंद करते हैं, और चीकू का जो खेलने वाला बोल रहा है आई थिंक वो लास्ट ब्लॉग में होगा कि चीकू कुछ खेल रहा होगा जो आपको पसंद आया हो। तो नेक्स्ट कमेंट है
रीता भाटिया का, माई डे इज नॉट कम्प्लीट विदाउट योर व्लॉग, लव यू चीकू, टेक केयर, नाइस फैमिली, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है रुबीना खान, रुबीना खान का आई थिंक मैंने पढ़ा है ना पहले भी कमेंट। नितिन जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, चीकू है ही बहुत क्यूट, आप दोनों की जोड़ी मस्त है। तो भैया थैंक यू बोल दो, थैंक यू रुबीना जी। नितिन भैया कैमरे के पीछे से बहुत स्माइल कर रहे हैं आपकी ये कमेंट पढ़ के, और नितिन भैया को अच्छा लगता है जब नितिन भैया के लिए इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, और है नंबर वन जोड़ी है नितिन की और चीकू की, बिल्कुल चच्चू और बेटे की जोड़ी। तो नेक्स्ट कमेंट है अंकिता विश्वास, चीकू और नितिन की मस्त भरी व्लॉग मुझे बहुत अच्छी लगती है, चीकू और नितिन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये बात तो सच है, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मतलब कि हम तीनों के अलावा अगर कोई चीकू को संभाल सकता है ना वो तो नितिन भैया है, हम तीनों अगर साथ में बिजी है तो हमें पता है कि नितिन भैया के साथ चीकू एकदम सेफ है, भैया उसे खिला भी देंगे, पिला भी देंगे, सुला भी देंगे टाइम से। नेक्स्ट कमेंट है कामिनी जैन का, आज तो चीकू स्मार्ट लग रहा है नितिन भाई, चूल्हे के खाने की खुशबू यहाँ तक आ गई, पायल दी ने बनाया है तो बहुत ही टेस्टी खाना बना होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, और सबने मिलके बनाया था। देखो हमारे साथ गोलू भी थी, शांति भी थी, मैं भी थी, तो हम तीनों ने मिलके बनाया था, तो तीनों के हाथ का टेस्ट उसमें आ गया था, तो और भी टेस्टी हो गया था। तो लास्ट कमेंट है रूपाली जी का, चीकू को सिर्फ नितिन ही संभाल पाता है, और नितिन बहुत अच्छा लड़का है, और गोलू मैम भी उसे बहुत प्यार करती है चीकू से। तो मुझे पता है रूपाली जी ये कमेंट आपका क्यों आया, बिकॉज लास्ट कमेंट में मैंने चीकू को बोल दिया था कि जब भी कहीं जाते नहीं बहुत इरिटेट करते हैं, मुझे पता है वो जो लाइन थी वो आप सभी को बहुत बुरी लगी थी मेरी, वो ऐसा कुछ नहीं था। देखो बच्चे हैं, बच्चे तो तंग करते ही हैं, और जब आप ऐसी प्रेगनेंसी वाली उसमें होते हैं ना तो मूड स्विंग्स आपके खुद के भी होते हैं, तो इसलिए मैंने बोला था कि वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा था। कभी कभी ना मैं भी चीकू को बोल देती हूँ आज के बाद मुझसे बात मत करे, चीकू गलती कर देता है, तो ऐसा थोड़ी होता है, वो तो हम डराने के लिए बोलते हैं, तो बच्चों के साथ मुंह से कुछ भी निकल जाता है, वो इंटेंशन नहीं होती है, और एक माँ की इंटेंशन अपने बच्चे के लिए तो कभी भी जिंदगी में 19-20 क्या मतलब कुछ 1% भी नहीं हो सकती है, तो बस बाय मिस्टेक निकल गया था पाल के मुंह से। तो बस आज ये लास्ट कमेंट था, कल फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ, अच्छे अच्छे जवाब के साथ। तो अभी तक जिसने हमारा कानपुरी असला नहीं देखा है गाइस, जल्दी जाके नंबर वन रिकॉर्ड्स पे कानपुरी असला देख लीजिए, और एक और गाना आने वाला है बहुत ही जबरदस्त, 8 तारीख को आने वाला है, और डीजे सॉन्ग होगा, उसमें मेरी भी झलक आपको दिखेगी। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।